हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता क्या है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो सिलिका है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं सिलिका भी बोलते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा सिलिका सेकेंड होगा कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है फिर थर्ड देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है फोर्थ देखेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के यूजेस क्या क्या हैं और फिफ्थ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है सिलिका सिलिका क्या होता है अगर हम अर्थक्रस्ट का नाइन्टी फाइव परसेंट देखते हैं तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो होता है सिलिकेट्स और सिलिका से मिलकर बना होता है नाइन्टी फाइव परसेंट अर्थक्रस्ट फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसका कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं सिलिका भी कहा जाता है थर्ड पॉइंट है कि सिलिका हैज़ टू एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म नेमली क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म अगर हम कार्बन का देखते हैं तो कार्बन में भी दो एलोट्रोप होते हैं फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप सेकंड होते हैं एमॉर्फस एलोट्रोप तो यहाँ पर भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के भी दो एलोट्रोप होते हैं एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन तो अगर हम यह बात करते हैं तो इसके एमॉर्फस फॉर्म में कौन कौन से होते हैं तो यह देखेंगे कि एमॉर्फस एलोट्रोप में होगा क्वार्ट्ज सेकेंड है ट्राइडाइमाइट थर्ड होता है क्रिस्टोबेलाइट तो ये हो गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टलाइन फॉर्म नेक्स्ट देखते हैं कि जो एमोरफस फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका आर एज एड जेस्पार और ऑनिक्स यहाँ पर कितने एलोट्रोप है इसके एक तो एजेट है दूसरा है जेस्पार थर्ड है ऑनिक्स ये कौन से हो गए एमॉर्फस एलेक्ट्रोप फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका इज क्वाड्ज और रॉक क्रिस्टल अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका का प्योरेस्ट फॉर्म देखते हैं तो वो कौन सा होता है क्वाड्ज होता है या फिर उसको हम रॉक क्रिस्टल भी कह सकते हैं सिक्स पॉइंट है द इम्प्योर क्वाड्ज इज कलर्ड जो इम्प्योर कॉड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कलर्ड होते हैं सेवन्थ पॉइंट है द पाउडर्ड वेराइटी ऑफ क्वार्ड्स मिक्सड विथ सैंड इज नोन एज सैंड स्टोन और पाउडर्ड वेराइटी ऑफ क्वार्ड्स को अगर हम सेंट के साथ मिक्स कर देंगे तो इस टाइप से जो सिलिकेट्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं सेंट स्टोन कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वार्ड्स मिक्स्ड विथ एमोरफा सिलिका इज कॉल्ड फ्लिंट अगर क्वार्ड्स को एमोरफा सिलिका के साथ मिक्स करेंगे और जो सिलिकेट्स फॉर्म होंगे उन सिलिकेट्स को फ्लिंट कहेंगे फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रिपरेशन ऑफ सिलिका सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को किस टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं तो इसका फर्स्ट मेथड है सिलिकॉन मैन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन ग्यूज सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर हम सिलिकॉन को एयर में बर्न करेंगे या फिर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेकेंड पॉइंट है ऑन हाइड्रोलिसिस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ग्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ या फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में मिलेगा आर्थोसेलिसिक एसिड अगर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पर भी वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें आर्थोसेलिसिक एसिड मिल रहा है और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है फिर इसी आर्थोसेलिसरिक एसिड की रिएक्शन हम 1000 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट स्लाइटली डिजॉल्व एट हाई प्रेजर वैन हीटेड लेकिन अगर इसको हाई प्रेजर पर हम उसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर कुछ मात्रा में वो डिजोल्व हो सकता है तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिलिका मेल्ट एट सिक्सटीन हंड्रेड टू फॉर्म क्वार्ट्ज ग्लास अगर सिलिकॉन को टेम्परेचर कितना रहेगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास मिल जाएगा फिर रेड हॉट क्वार्ट्ज ग्लास व्हेन प्लंगड इनटू वाटर डज नॉट ब्रेक इनटू पीसेस यहाँ पर क्या है कि अगर रेड हॉट क्वार्ट्ज ग्लास को वाटर में जंप कराएंगे प्लंगड मतलब जंप या उसको बहुत तेजी से पानी में डालेंगे तो यह ब्रेक नहीं होगा और इसी कारण से इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है फिर अगर हम देखते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है तो कि अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एस सी एल एच बी आर और एच आई मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक तो एसिड हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी सेकेंड आता है कि अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह मिल जाएगा ऑर्थोसेलिसिक एसिड और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा सोडियम मेटासिलीकेट्स और साथ में वाटर मिलेगा अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड्स के साथ कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा सोडियम मेटासिलीकेट्स फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड्स के साथ कराएंगे यहाँ पर मिल जाएगा कैल्शियम मेटासिलकेट्स या फिर इसको हम वोलेस्टोनाइट भी कहते हैं ये मिल जाएगा फिर नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा सोडियम मेटासिलीकेट्स साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी कैल्शियम मेटा सिलिकेट्स मिलेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड या इसको हम कोरन्डम भी कहते हैं तो हमें यहाँ पर यह मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड साथ में मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो यह हो गए उसके कुछ रिएक्शंस नेक्स्ट देखते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं तो इसका फर्स्ट यूज़ आता है सिलिका इज़ यूज एज बिल्डिंग मटेरियल सिलिका का यूज़ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है सेकेंड है क्वार्ड्ज ग्लास इज़ यूज इन लाइट एक्सपेरिमेंट एंड मेकिंग ग्लास आर्टिकल तो जो क्वार्ज ग्लास होता है उसका यूज़ किया जाता है लाइट एक्सपेरिमेंट में और साथ ही साथ इनका ग्लास आर्टिकल बनाने में भी यूज़ किया जाता है थर्ड पॉइंट है कि ब्रिक्स मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सैंड, क्ले एंड लाइम आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट फर्नेस यहाँ पर जो ब्रिक्स होती है वो ब्रिक्स किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ब्रिक्स मिलके बनी होती है पाउडर्ड सेंड क्ले एंड लाइम इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है ब्रिक्स और उन ब्रिक्स का यूज हम करते हैं फर्नेस बनाने के लिए नेक्स्ट यूज़ है इसका प्योर क्वार्ट्ज़ इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्योर क्वार्ट्ज़ होता है उसका लेंस बनाने में भी यूज़ किया जाता है साथ ही साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कलर्ड क्वाड्स होते हैं उन कलर्ड क्वार्ड्स का यूज़ हम करते हैं जेम्स जेम्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट यूज आता है सिलिका इज यूज एज एसिडिक फ्लक्स इन मेटल एलर्जी मेटल एलर्जी में एसिडिक फ्लक्स के रूप में भी सिलिका का यूज किया जाता है नेक्स्ट यूज आता है इसका सिलिकॉन कार्बाइड इस कार्बोरेंडम एंड इट एंड इज यूज एज रिफ्रैक्ट्री मटेरियल सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं कार्बोरेंडम भी कहते हैं और इसका यूज करते हैं रिफ्रैक्ट्री मटेरियल में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्ट्रक्चर तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सिलिका इज अ जेंट मॉलिक्यूल विथ थ्री डी स्ट्रक्चर हैंस इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है एक जेंट मॉलिक्यूल होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और यह सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कुछ तो ये है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहाइड्रली सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन एटम अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें प्रत्येक सिलिकॉन एटम ये देखेंगे हर एक सिलिकॉन एटम आपस में कितने चार ऑक्सीजन के द्वारा सराउंडेड है सेकेंड पॉइंट है इच ऑक्सीजन एट द वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहड्रॉन इज सेर्ड बाय टू सिलिकॉन एटम इसमें अगर हम प्रत्येक ऑक्सीजन को देखेंगे तो हर एक ऑक्सीजन क्या है दो सिलिकॉन एटम के द्वारा सराउंडेड है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका थर्ड पॉइंट है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड आर वीकर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन डायमंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होते है, हैं ये यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड ये क्या होता है वीक होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड हैंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका इज मच लेस देन डेट ऑफ डायमंड तो जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन इसी कारण से क्या होता है कि जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड सिलिकॉन डाईऑक्साइड इज वीकली एसिडिक अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है एसिडिक ऑक्साइड होते हैं लेकिन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम एसिडिक होते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर फिफ्थ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है उस मिक्सचर का यूज़ एज अ फायर एक्सटेंशन करते हैं नेक्स्ट है कि हाइड्रोटाइजेशन ऑफ सिलिकॉन इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एस पी थ्री अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एस पी थ्री होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर टेट्राहाइड्रोली है अगर टेट्राहाइड्रो है तो इसको ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर सेवन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल विथ एस पी हाइब्रोडाइजेशन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन क्या है दो ऑक्सीजन एटम के द्वारा अटैच है और इसका हाइब्रोडाइजेशन क्या है यहाँ पर एस पी ड्यू टू वीक इंटर मोलिक्यूलर एट्रेक्टिव फोर्स दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लेस इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं वीक इंटर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो यह हो गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे कुछ मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सिलिकॉन के सिलिकेट्स कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के सिलिकेट्स होते हैं इस पर आगे डिस्कस करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय सी यू अगेन